को लेकर पटना पहुंची है ईओयू की टीम। पटना में गुप्त स्थान पर उससे पूछताछ की जा रही है। ईओयू की टीम सिंटू से अब पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि आज ही देवघर से सिंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया था। चार अन्य लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। अब फिलहाल ईओयू की टीम उससे पूछताछ कर रही है। देवघर से सिंटू को पटना लेकर पहुंची है ईओयू की टीम और बताया जाता है किसी गुप्त स्थान पर उसे रखा गया है जहां टीम उससे पूछताछ कर रही है। तो नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंटू जो इसमें आरोपी बताया जा रहा है उसे देवघर से गिरफ्तार किया गया और सिंटू कुमार को लेकर पटना पहुंच चुकी है ईओयू की टीम, गुप्त स्थान पर रखा हुआ है। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या कुछ खबर सिंटू को लेकर? सिंटू को लेकर के ईओयू की टीम जो है वो थोड़ी देर पहले पटना पहुंची है और गुप्त स्थान से रख करके पूछताछ कर रही है। बताते चले कि ईओयू के जो डीआईजी हैं मनोजीत सिंह ढिल्लो वो खुद इंट्रोगेशन कर रहे हैं और उनके साथ उनकी जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। चार अन्य जो लोग हैं उन्हें भी डिटेन किया गया है और उनसे भी पूछताछ अलग से की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है ईओयू सूत्रों के अनुसार कि ये जो चार अन्य हिरासत में लिए गए हैं इन पर भी संदेह है कि ये सॉल्वर गैंग के लिए काम करते हैं और इसी बात को लेकर के इनसे पूछताछ हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है और संभवतः शाम तक हो सके तो इन लोगों की भी गिरफ्तारी ईओयू कर सकती है, ऐसा ईओयू के सोर्सेज का कहना है। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात है कि जो सिंटू है ये पेपर लीक करने में इसका भी अहम हाथ है, अहम किरदार निभाया था इसने। तो इसकी गिरफ्तारी जो है वो कल देर रात देवघर से 1 बजे के करीब में ईओयू ने गुप्त सूचना के आधार पर की और उसके बाद आज थोड़ी देर पहले इसे लेकर के पटना पहुंची जहां पे गुप्त स्थान। अमित, क्या सिंटू के बैकग्राउंड के बारे में पता चल पाया, कहां का रहने वाला है और किस तरीके से ये सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ था? देखिए, विस्तृत जानकारी जो है वो हमारे सोर्सेज नहीं दे पाए। जो जानकारी मिली है वो फिलहाल यही है कि ये इसकी भूमिका जो है ये नीट 2024 का जो पेपर लीक हुआ है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है उसमें इसकी भी अहम रोल अहम किरदार रही। जब रांची में मेडिकल बड़े मेडिकल कॉलेज में जब प्रश्न पत्र फॉल्स किए गए तो वो जो रवि अत्री गैंग है उससे जो क्वेश्चन पेपर और प्रश्न पत्र आए थे वो सिंटू और सिंटू के पास आए थे और उसके बाद ही ये जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, चाहे सिकंदर हो या दूसरे जो लोग थे जो अभ्यर्थी थे उन तक पहुंचाए गए। तो उसमें सिंटू का अहम किरदार रहा है और अब उन्हीं कड़ी को खंगालने की दिशा में ईओयू जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। खुद डीआईजी जो है ईओयू के मनोजीत सिंह ढिल्लो वो इंट्रोगेशन कर रहे हैं, जो सिंटू है उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनकी टीम भी जो है उनके साथ मौजूद है। वहां पे पूछताछ जो कमरा है वहां पे बना हुआ है और लगातार एक एक अधिकारी जो है अपने अपने अफसर से अपने सवाल जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है ईओयू की तरफ से कि मानसिक दबाव दिया जाए और मानसिक दबाव देकर के जो जानकारी जो अब तक नहीं आई है सामने वो गैदर किया जाए सिंटू से और सिंटू फिलहाल कहाँ है इसकी भी जानकारी जो है वो सिंटू से लेने की कवायद जो है वो ईओयू की टीम कर रही है। सिंटू की गिरफ्तारी जो है वो भी काफी अहम मानी जा रही है। अगर वो गिरफ्तार होता है तो और भी कई अहम खुलासे होंगे लेकिन फिलहाल सिंटू से पूछताछ करके इस पूरे मामले में नई जानकारी जो है वो हासिल ईओयू करना चाहती है और उसी दिशा में ये जो इंट्रोगेशन है वो आगे बढ़ रहा है। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सिंटू का नाम कैसे सामने आया, क्या पूछताछ के दरमियान जांच टीम को उसका नाम पता चला? देखिए, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जब सिकंदर गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद उसे इंट्रोगेशन किया गया, वापस रिमांड पे लिया गया तो उसने ही तमाम कड़ियों को खोला और उसके अलावा भी जो मोबाइल नंबर बरामद हुए थे सिकंदर के पास से तो उसका जब सीडीआर निकाला गया तो उसमें सिंटू और सिंटू की जो है उनसे भी बातचीत और व्हाट्सएप चैट का जो मामला है वो उजागर हुआ था और उसी के बाद जो है ये पूरी कार्रवाई जो है वो आगे की दिशा में बढ़ी और सिंटू की गिरफ्तारी कर सुनिश्चित करने के लिए लगातार ईओयू जो है प्रयास कर रही थी। सिंटू की गिरफ्तारी के लिए अभी भी प्रयास जारी है और इसी कड़ी में ये कामयाबी जो है वो कल देर रात जैसा हमने पहले बताया ठीक है 1 बजे के करीब में ठीक है, यानी कि इंतजार करना होगा आज जब पूछताछ सिंटू से होती है उसके बाद जांच टीम और क्या कुछ जानकारी साझा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। और आइए अब देख लेते हैं गांव शहर की सौ खबर को। नीट पेपर लीक मामले में देवघर से सिंटू कुमार